और गाइस आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं एप्पल के साथ महंगी वाली अमीरों वाली न्यूज से शुरू करते हैं आज की टेक न्यूज। तो गाइस अगर आपको याद हो कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था कि आईफोन 12 जो स्मार्टफोन है ना दैट कुड वेरी वेल सून बी मेड इन इंडिया, मतलब इंडिया में बहुत जल्दी इसकी प्रोडक्शन वगैरह हो सकती है शुरू। और गाइस अभी तक तो ये रूमर्स थे, लीक्स वगैरह निकल के आ रहे थे, रिपोर्ट्स वगैरह निकल के आ रही थी, बट आज एप्पल ने ऑफिशियल कंफर्मेशन दे दी है कि जी हाँ बहुत जल्दी आईफोन 12 जो है ये स्मार्टफोन्स मेड इन इंडिया होने वाले हैं। अब देखते हैं प्राइसिंग वगैरह कम होती है कि नहीं होती, बट यस अच्छी न्यूज है और अब यहाँ पे ऑफिशियल कंफर्मेशन भी आ चुकी है। और गाइस Vivo X60 सीरीज ऑफ स्मार्टफोन्स भी अब बहुत जल्दी इंडिया में होने वाली है लॉन्च। अभी तक लीक्स वगैरह निकल के आए थे, मैंने भी आपको यही बताया था कि यार मार्च महीने में Vivo X60, X60 Pro, X60 Pro Plus ये तीनों जो स्मार्टफोन्स हैं आप इनको इंडिया में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट गाइस आज Vivo ने ऑफिशियल टीजर देके बोल दिया है कि यस Vivo X60 सीरीज जो है दैट इज कमिंग वेरी सून टू इंडिया। सो यस अगर आप Vivo X60 सीरीज का वेट कर रहे थे अब आपको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। एंड साथ में आपको ये भी बता दूंगी यार Samsung Galaxy A52 और Samsung Galaxy A72 ये दोनों स्मार्टफोन्स बहुत जल्दी अब लॉन्च होने वाले हैं ग्लोबल मार्केट में, और लग रहा है कि यार इंडिया में भी ये स्मार्टफोन जो हैं अब हमें 17th मार्च को देखने को मिल जाएंगे। गाइस Samsung की एक इवेंट है Samsung Galaxy Awesome Unpacked, यूजली Galaxy Unpacked इवेंट होती है, ये है Awesome Unpacked। सो Awesome वाला जो कीवर्ड है ना ये Samsung अपने A सीरीज के स्मार्टफोन्स के लिए यूज करता है, और Flipkart पे भी ये जो इवेंट है इसका लाइव पेज जो है ना इसको लाइव कर दिया गया है। सो यस Galaxy A52 और Galaxy A72 ये दोनों स्मार्टफोन्स आप लेके चलो कि 17th मार्च को आपको इंडिया में भी हो सकता है शाम को 7:30 बजे के आसपास देखने को मिल जाए। नॉट जस्ट दैट गाइस Samsung Galaxy A52 जो स्मार्टफोन है इसका 4G वेरिएंट मैंने आज Google Play कंसोल लिस्टिंग पे भी स्पॉट कर दिया है, और ये स्मार्टफोन दिखता कैसा है और इसकी की स्पेसिफिकेशंस क्या है ये मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। एंड गाइस लॉन्चेस की बात करें तो कुछ गेमिंग स्मार्टफोन्स की बात कर लेते हैं। Asus आज लॉन्च करने वाला है अपने ROG Phone 5 को, या रादर ROG Phone 5 जो सीरीज है आज लॉन्च होने वाली है, और इंडिया में भी आपको ये स्मार्टफोन सीरीज आज ही देखने को मिलेगी 4:30 बजे गाइस 4:30 PM को इसकी लॉन्च है। सो ये वीडियो जो है इससे पहले शूट हो रही है, सो आपको अभी के लिए मैं इसकी प्राइसिंग स्पेसिफिकेशंस वगैरह नहीं बता सकता, बट या अगर आप गेमिंग स्मार्टफोन्स में इंटरेस्टेड हैं तो ROG Phone 5 जो है ये आज इंडिया में लॉन्च होने वाला है। और गाइस गेमिंग स्मार्टफोन्स की वैसे अगर हम बात करें तो Black Shark 4 सीरीज भी बहुत जल्दी होने वाली है लॉन्च। Black Shark 4, Black Shark 4 Pro ये दोनों स्मार्टफोन्स होंगे, और आज Black Shark 4 जो स्मार्टफोन है इसको भी मैंने Google Play कंसोल लिस्टिंग पे कर दिया है स्पॉट। और ये स्मार्टफोन कैसा दिखेगा, बहुत छोटा सा आपको यहां पे मिलेगा एक पंच होल सेल्फी कैमरा, और इसकी स्पेसिफिकेशंस जो हैं ये मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। एंड गाइस एप्पल ने कुछ टाइम पहले अपने M1 प्रोसेसर को अनवेल किया था, और मैं इसको यूज कर रहा हूं अच्छे खासे टाइम से, बहुत ही पावरफुल बहुत ही तगड़ा ये प्रोसेसर है। बट अब लग रहा है कि यार Qualcomm ना एप्पल M1 प्रोसेसर को टैकल करने के लिए, चैलेंज करने के लिए, कम्पीट करने के लिए एक नए नेक्स्ट जनरेशन Qualcomm Snapdragon 8cx प्रोसेसर को बहुत जल्दी लॉन्च करने वाला है। ये मतलब परफॉर्मेंस के हिसाब से बहुत तगड़ा होगा, और ये विंडोज लैपटॉप्स और साथ में जो 2-in-1s वगैरह होते हैं ना उनको पावर करेगा। सो यस अगर आपको एप्पल इकोसिस्टम में इंटरेस्ट नहीं है, विंडोज वाले अगर एक इंसान है, तो आपको एक ऐसा तगड़ा पावरफुल प्रोसेसर जो है अब बहुत जल्दी Qualcomm की तरफ से देखने को मिलने वाला है। गूगल लॉन्च करने वाला है गाइज एक नया स्मार्टफोन 11th जून को, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यार 11 जून को गूगल का एक नया पिक्सल स्मार्टफोन जो है ये मार्केट में लॉन्च होने वाला है। बट गाइज एक नया लीक निकल गया है जो क्लेम कर रहा है कि ये जो स्मार्टफोन होगा ना इसका नाम होगा गूगल पिक्सल 5A। जी हाँ गूगल पिक्सल 4A का जो सक्सेसर है अब जल्दी ही आपको मार्केट में देखने को मिलने वाला है, मतलब इतना जल्दी तो नहीं बट जून तक अगर आप वेट कर सकते हैं तो गूगल पिक्सल 5A जो फोन है ये भी अब लॉन्च होने वाला है। नॉट जस्ट दैट गाइज गूगल का जो पिक्सल 6 स्मार्टफोन होगा ना, या रादर पिक्सल 6 जो सीरीज होगी, इसमें आपको एक सेंट्रली अलाइन सिंगल पंच होल सेल्फी कैमरा देखने को मिलने वाला है, ऐसा भी नए लीक्स वगैरह के थ्रू हमें पता चला है। वैसे अगर आप पोको X3 यूज कर रहे हैं आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज है, फाइनली इंडिया में पोको X3 जो स्मार्टफोन्स हैं इन्होंने स्टार्ट कर दिया है रिसीव करना एंड्रॉइड 11 स्टेबल अपडेट, MIUI 12 और साथ में एंड्रॉइड 11 वाला जो लेटेस्ट अपडेट है आपके पोको X3 स्मार्टफोन इंडियन यूनिट्स में अब रोल आउट होना शुरू हो चुका है। सो यस अगर आपने अभी तक अपडेट नहीं किया मैं आपको बोलूंगा कि यार अपडेट करके आप इस नए अपडेट को अपने Poco X3 स्मार्टफोन में एंजॉय कर सकते हैं। गाइस Huawei ने आज चाइना में अपनी Huawei Mate 40 सीरीज का एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है, इसका नाम है Huawei Mate 40e। ये थोड़ा सा लाइट वेरिएंट है, थोड़ा सा मतलब आपको कम स्पेसिफिकेशंस वगैरह देखने को मिलेंगी। स्पेसिफिकेशंस मैं आपको वैसे स्मार्टफोन की स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, आपको यहां पे 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट मिलेगी, Kirin का 990e प्रोसेसर है, साथ में 64 मेगापिक्सल का आपको मिलेगा ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप। प्राइसिंग की अगर हम बात करेंगे तो Huawei Mate 40e जो स्मार्टफोन है इसकी चाइनीज प्राइसिंग है Yuan 4599, मतलब इंडियन अगर आप करेंसी में कन्वर्ट वगैरह करोगे तो
ये बनता है तकरीबन 50,000 रुपए का। अब इसमें GMS की सपोर्ट वगैरह नहीं है और इट्स अनलाइकली टू लॉन्च इन इंडिया, बट एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि Huawei Mate 40e जो स्मार्टफोन है ये अब लॉन्च हो चुका है। एंड गाइस Xiaomi ने भी अपने Mi 10S स्मार्टफोन को आज चाइना में लॉन्च कर दिया है। 6.67 इंच की आपको मिलती है स्मार्टफोन में फुल HD प्लस 90 हर्ट्ज वाली एमोलेड डिस्प्ले, साथ में Qualcomm का Snapdragon 870 प्रोसेसर है, अप टू 12GB रैम मिलेगी आपको और 108 मेगापिक्सल का आपको मिलेगा क्वाड रियर कैमरा सेटअप। अब ये स्मार्टफोन इंडिया में कब लॉन्च होगा, किस नाम से लॉन्च होगा ये तो अभी नहीं पता, बट चाइनीज प्राइसिंग की अगर बात करें गाइस तो Mi 10S जो स्मार्टफोन है ये 3299 युआन से शुरू हो रहा है, दैट इज अराउंड 36,000 रुपीस। और इस स्मार्टफोन के लुक्स कैसी हैं, ये दिखता कैसा है और इसकी बाकी की स्पेसिफिकेशंस जो है मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। गाइस Realme GT स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होने वाला है बहुत जल्दी, बट चाइना में तो स्मार्टफोन हो भी गया लॉन्च और इसकी जो पहली सेल हुई ना, हाइप देखना चाहोगे यहां पे 10 सेकंड में Realme GT जो स्मार्टफोन है इसने 100 मिलियन युआन की सेल कर दी। मतलब अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे ना इंडियन प्राइसिंग में तो कहां बनती है प्राइसिंग, कमेंट सेक्शन में वैसे आप बता सकते हैं कि कितने रुपए बने ये। 100 मिलियन युआन की सेल कर चुका है Realme GT स्मार्टफोन पहले 10 सेकंड्स में। अब देखते हैं इंडिया में जब ये स्मार्टफोन आएगा इसकी प्राइसिंग वगैरह क्या होगी और इंडिया में किस तरह की आपको हाइप वगैरह देखने को मिलेगी, बट अभी के लिए चाइना में तो लग रहा है कि यार Realme GT जो फोन है ना ये बहुत तगड़ा बिक रहा है। And guys, it's been 16 months हो चुके हैं Disney Plus जो स्ट्रीमिंग सर्विस है ना इसको लॉन्च हुए और 16 months में आज एक नई ऑफिशियल रिपोर्ट निकल के आई है कि Disney Plus जो सर्विस है इसको वर्ल्ड वाइड 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स मिल चुके हैं। सो यस, अगर आप भी Disney Plus के एक मेंबर हैं, Hotstar Plus Disney जो है इसके मेंबर हैं, तो आप भी इन 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स में से एक हैं और यार ये जो सर्विस है, ये जो स्ट्रीमिंग सर्विस है ना, ये बहुत तगड़े तरीके से ग्रो कर रही है। Guys, Oppo Find X3 सीरीज कल लॉन्च होने वाली है चाइना में, बट आज Oppo ने ऑफिशियल कंफर्मेशन दे दी है कि अलोंगसाइड द Oppo Find X3 सीरीज Oppo के जो Enco XTWS थे ना ये ऑलरेडी लॉन्च हो गए, बट इनका एक नया ब्लू कलर वेरिएंट जो है ये भी कल अनवेल होने वाला है, बहुत ही दिखने में तगड़ा है, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। दिस इज व्हाट द न्यू अपकमिंग ब्लू कलर वेरिएंट ऑफ द Oppo Enco XTWS इज गोइंग टू लुक लाइक। आपको ये डिजाइन कैसा लगा, आपको ये लुक कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। और गाइस OnePlus 9 Pro जो फोन बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है इसके अल्ट्रा वाइड लेंस के बारे में आज कंपनी ने ऑफिशियल कंफर्मेशन दे दी, एक 50 मेगापिक्सल का आपको मिलेगा सोनी वाला IMX766 अल्ट्रा वाइड सेंसर स्मार्टफोन में। और नॉट जस्ट दैट गाइस, कुछ सैंपल शॉट्स वगैरह जो होती है ना ये भी OnePlus के ऑफिशियल्स ने OnePlus 9 Pro स्मार्टफोन से लेके ट्वीट वगैरह की है, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। दीज आर सम ऑफ द अल्ट्रा वाइड शॉट्स टेकन फ्रॉम द OnePlus 9 Pro स्मार्टफोन। आपको ये इमेज क्वालिटी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। और गाइस Poco X3 Pro का अगर आप वेट कर रहे हैं इंडिया में, अब लग रहा है कि यार आपको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, Poco ने स्मार्टफोन को टीज करना शुरू कर दिया है। प्रोफॉर्मेंस एक हैशटैग है जो कंपनी ने ट्वीट किया था और साथ में एक लंबी सी चिट्ठी जो है इसको भी पोस्ट किया है, मैं आपको चिट्ठी स्क्रीन पे दिखा रहा हूं और यहां पे लिखा हुआ है कि यार ये जो स्मार्टफोन होगा F सीरीज का स्मार्टफोन नहीं होगा। तो गाइस Poco F3 जो है या Redmi K40 है या Mi 11X जो है इसको आने में टाइम लग सकता है, बट Poco X3 Pro जो है लेके चल लो कि यार अब आपको बहुत जल्दी इंडिया में देखने को मिलने वाला है। और गाइस न्यूज तो बहुत सारी थी आज की वीडियो में, बता दी सारी की सारी, बट वीडियो खत्म करने से पहले Realme 8 सीरीज के बारे में भी कुछ बात कर लेते हैं। तो गाइस Realme 8 सीरीज की हाइप वगैरह जो है ना, टीजर्स वगैरह Realme की तरफ से आने शुरू हो चुके हैं, आपने वो 8 वाले देखे होंगे, बहुत सारे पोस्ट वगैरह Realme के ऑफिशियल्स माधव शेठ जी वगैरह भी कर रहे हैं, बट Realme 8 सीरीज लॉन्च कब होगी ये बहुत सारे लोग पूछते आ रहे हैं। तो गाइस अगर आप 1, 2, 3 वाला जो कोड था ना मेरा उसको सक्सेसफुली डीकोड कर पाए थे तो आई एम श्योर कि यार आप ये वाला जो कोड है, ये जो हिंट है, इसको भी इजीली क्रैक कर पाएंगे। So guys, 8 multiplied by 3 कितना होता है, कमेंट सेक्शन में अगर आप बता पाए तो आप घने होशियार, बाकी यार समझ लो मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया है। तो Realme 8 सीरीज जो है अब बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली है। और गाइस लगे हाथों कल का पोल भी देख लेते हैं, कल मैंने आपसे दो क्वेश्चन पूछे थे, Moto G10 Power इसकी आपको प्राइसिंग कैसी लगी, 60% लोग कह रहे हैं अच्छी नहीं लगी और 40% लोग कह रहे हैं अच्छी लगी, और साथ में मैंने आपसे Moto G30 की प्राइसिंग के बारे में भी पूछा था, वहां पे थोड़ा सा मिक्स्ड रिएक्शन है, 53% लोग कह रहे हैं अच्छी नहीं लगी और 47% लोग कह रहे हैं अच्छी लगी। और गाइस आज की वीडियो को पोल सिंपल सा है, OnePlus 9 सीरीज जो है ऑफ कोर्स बाकी स्पेक्स वगैरह तो अच्छी होंगी, बट इस बार कैमरा पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस किया जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि इस बारी OnePlus 9 सीरीज जो कैमरास के फ्लॉज वगैरह होते ना OnePlus के स्मार्टफोन्स में, क्या उनको ओवरकम कर पाएगी कि नहीं, कम्युनिटी सेक्शन में जाके पोल करके आप हमें बता सकते हैं। और वीडियो खत्म करने से पहले देखते हैं कल के बेस्ट कमेंट्स, आप लोगों के कमेंट हम लोगों को बहुत पसंद है, आज की वीडियो में भी कमेंट कीजिए सो दैट आपके कमेंट्स में ऐसे ही टेक स्टफ में फीचर करता रहूं। सो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, मिलते हैं कल सुबह फिर से टेक स्टफ के एक और एपिसोड में, टिल देन खुश रहिए, आबाद रहिए, फलते फूलते रहिए, गॉड ब्लेस यू ऑल, पीस, जय हिंद। एप्पल ने अनवेल, ओके।
कुछ टाइम तो अगर ओके आई जुनाई बीच में ओके पांक।